नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं इस वीडियो में विस्तृत रूप। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 दिन में अनुभव प्रमाण पत्र दे, अन्यथा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करें। लैब टेक्नीशियन भर्ती का मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश दिनेश मेहता ने लैब टेक्नीशियन भर्ती मामले में चिकित्सा विभाग व गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जहां याचिकाकर्ता ने प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से कार्य किया था, को 3 दिन में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि बिना अनुभव प्रमाण पत्र के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। अन्यथा अंतिम तिथि 30 जुलाई तक प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर याचिकाकर्ता का आवेदन अंतिम तिथि के बाद 7 अगस्त तक भी स्वीकार करने का यहाँ पर निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने कहा कि याचिका मामला थानाराम बनाम राजस्थान सरकार के तहत सीधे कवर होता है, इसलिए इस मामले में भी याचिकाकर्ता को प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से कार्य किए जाने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी किए जाने का हक है, जिससे उसे बोनस अंक प्राप्त हो सके। वही अंतिम तिथि 30 जुलाई से पहले प्रमाण पत्र प्राप्त हो तो आवेदन ऑनलाइन पेश कर सके, क्योंकि बिना प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से डबल एजी केस राजपुरोहित की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रजत अरोड़ा ने कहा कि थान सिंह बनाम राजस्थान सरकार का मामला फार्मासिस्ट भर्ती का मामला था, जबकि यह मामला लैब टेक्नीशियन भर्ती का है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उनकी राय में यह मामला भी सीधा थानाराम के मामले से कवर हो रहा है, चाहे फार्मासिस्ट भर्ती हो या लैब टेक्नीशियन भर्ती हो। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, यहाँ पर 3 दिन में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोला है। अगर 3 दिन में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो इनका ऑफलाइन आवेदन 7 अगस्त तक स्वीकार करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। ये जो निर्देश है, थानाराम बनाम राज्य सरकार का जो मामला था, उसके तहत ये निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।